ट्रेलर दिख रहे हैं पीयूष जी, अगर ये ट्रेलर इसी तरीके से जारी रहे तो पिक्चर यूं कहूं कि लगभग लगभग साफ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस ने दमखम लगाया और पूर्वोत्तर में जिस तरीके से माना जा रहा था कि रिपीट नहीं होता, रिपीट नहीं होगा, लेकिन वो सब कुछ हुआ जो विपक्ष नहीं चाहती थी, कांग्रेस नहीं चाहती थी। कहां कमी, कहां चूक पीयूष जी? देखिए देखिए देखिए, सबसे पहले तो ये बात जो अभी कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता कि बूथ के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं, जो ये तीन राज्यों में, पूर्वोत्तर राज्यों में जो भाजपा को बढ़त मिली है उसके आधार पर, लेकिन बूथ के पांव तो पालने में वहां पे भी दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जो है 24 साल की जो जहां वो दाविज थी, 27 साल गई वहां, 27 साल वो हार गई वहां पे, जो उसका गढ़ था जो वहां पे आ, तो यहाँ पे भी बूथ के पांव पालने में दिखा रहे हैं, दिख रहे हैं। तो देखिए ये बात है कौन पार्टी किस तरह करती है। उपचुनाव का अगर रिजल्ट देखे तो कहा जाता है कि वो भी एक संदेश है कि हाँ किस तरह से, जहां अगर विपक्ष जो है एक संदेश तो जाता है, विपक्ष अगर एक साथ एकजुट होकर लड़ता है तो वहां अगाड़ी थी इसलिए फायदा मिला। इसी तरह जो है तमिलनाडु में चूंकि डीएमके और कांग्रेस एक साथ थे तो फायदा मिला। लेकिन त्रिपुरा में देखिए, त्रिपुरा में भी साथ थे, लेकिन त्रिपुरा में ये बात थी कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आए थे और ये कहा भी गया था सीपीएम की तरफ से कि हम जो है कि अलायंस में नहीं है लेकिन हम एक दूसरे के साथ हैं और मिलजुल के चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। तो उसका नुकसान उनको हुआ क्योंकि खासकर जो है सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट को हुआ, क्योंकि कांग्रेस को तो फिर भी बढ़ गई सीटें वहां, तो जो कांग्रेस की एक सीट थी वो जो है आगे उनको वोट परसेंटेज भी जो 2 से कम हो गया था वो बढ़ गया उनका जो वहां पे, तो ये हुआ। लेकिन बाकी और पूर्वोत्तर राज्य जहां तक है, नागालैंड में कांग्रेस की हालत पहले से ही खराब थी, वहां उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहा था इसलिए उन्होंने वहां पे 23 ही लोगों को चुनाव लड़वाया था। और जहां तक आपका मेघालय का, देखिए मेघालय में पूरी की पूरी विधायक कांग्रेस 2018 में 17 सीटें लेके 21 सीटें लेके सबसे बड़ी पार्टी थी जी। लेकिन वहां एनपीएफ ने जो है फिर और मिला के और बीजेपी के साथ मिलके और इस तरह से जो है वहां पे सरकार बनाई वहां पे, और फिर जो है सारे के सारे कांग्रेस के जो है वो डिफेक्ट हो गए, एमएलए कुछ तृणमूल में चले गए और कुछ जो है कि एनपीएफ में चले गए, एनपीपी में चले गए। तो कांग्रेस का तो आधार ही नहीं था, कांग्रेस तो वहां मेघालय में इस बार पूरी तरह नए युवा चेहरों को लेकर लड़ी है और निश्चित रूप से राहुल गांधी वहां एक ही बार गए, शायद जाते और दो तीन चक्कर लगाते तो शायद बेहतर स्थिति कांग्रेस की बनती।